और ये है पवेलियन अंदर एरिया। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है, छत पे फ्रेम बना चुका है सीलिंग के लिए और यहाँ पर सीलिंग करना बाकी है। और ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों मैं आज एक बार फिर अरबाब न्यास के क्रिस्टीनो पेशावर में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ, तो वीडियो इन तक देखिए, शुक्रिया। और एक बार फिर से अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में ग्रास ग्रीन हो चुका है और ये आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश अपडेट से। आज हफ्ते का दिन है और ये आपके सामने है। और जो व्यूवर्स ग्रास के अपडेट चाहते थे तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ग्रीन हो चुका है ग्रास। और पिछली वीडियो में वो बताया था कि ग्रास को प्रॉपर तरीके से पानी दे रहा है और ग्रास ख़राब नहीं हुआ था जैसे आपको नज़र आ रहा था, क्योंकि इसमें कटाई हो चुका था तो इसलिए आपको नज़र आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रास काफ़ी मुलायम और काफ़ी बड़ा हो चुका है एक बार फिर से। और ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके सामने हैं और आज हफ्ते का दिन है, बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स। तो दोस्तों काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबको मेरी तरफ से, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, शुक्रिया। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पवेलियन, तो मेरे साथ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने है काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत पवेलियन। और पवेलियन के अंदर जितना भी काम बाकी है और सीलिंग का, तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ रही है और वीडियो स्किप ना करें, शुक्रिया। और यहाँ से एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा बाउंड्री फेंस। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपके सामने बाउंड्री फेंस के ऊपर काम हो चुका है और ये बिल्कुल नया काम है, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और पिछली वीडियो में आपको बाउंड्री फेंस दिखाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डकन्स पड़े हैं मेन हॉल के लिए और ये बिल्कुल पवेलियन एरिया है आपके सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों छत पर सीलिंग बाकी है और ये है पवेलियन राइट साइड एरिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छत पे फ्रेम बना चुका है सीलिंग के लिए और सीलिंग करना बाकी है, ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके सामने हैं। और ये पवेलियन इनसाइड एरिया है और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हो, तो वीडियो पे रहे और वीडियो स्किप ना करें, शुक्रिया। और ये है पवेलियन सेकंड फ्लोर। तो दोस्तों आपके सामने है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्रेम बना चुका है और सीलिंग करना बाकी है और इंशाल्लाह यहाँ पर भी सीलिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। और उसी तरह आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि थर्ड फ्लोर में भी फ्रेम बना चुका है और सीलिंग करना बाकी है। और पवेलियन से मैं लोगों को दिखाऊँगा ग्राउंड का खूबसूरत सा व्यूज़। तो यहाँ से ग्राउंड आप देख सकते दोस्तों और ग्रास भी आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके सामने हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बाउंड्री फेंस भी दिखाऊंगा, बाउंड्री फेंस के ऊपर जितना काम हो चुका है और इसके साथ साथ टफेल का काम भी दिखाऊंगा आप लोगों को, टफेल का जितना काम हो चुका है और अभी भी टफेल का काम जारी है, तो मेरे साथ रहे और वीडियो स्किप ना करें, शुक्रिया। और ये है बाउंड्री फेंस, आप देख सकते हैं पवेलियन के एरिया पर जितना काम हो चुका है बाउंड्री फेंस का, तो ये आपके सामने और आप देख सकते हैं, मज़ीद भी आपके साथ शेयर करने वाले हो, तो वीडियो पर रहिए और वीडियो स्किप ना करें, शुक्रिया। और यहाँ से आप देख रहे दोस्तों ये बिल्कुल नया काम हो चुका है, ये बिल्कुल नया काम है बाउंड्री फेंस के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं लोगों को दिखाऊंगा टफटाइल, टफटाइल के ऊपर जितना काम हो चुका है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे दोस्तों बाउंड्री फेंस के ऊपर कलर का काम भी हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ से आप लोग टफटाइल का काम भी देख सकते हैं, टफटाइल का काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है और बिल्कुल फ्रेश अपडेट से आज हफ्ते का दिन है। और ग्राउंड की तरफ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाउंड्री फेंस पवेलियन के सामने जितना काम हो चुका है बाउंड्री फेंस के ऊपर, तो ये आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी काम हो चुका है, तकरीबन पवेलियन के सामने बाउंड्री फेंस का काम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा बैक साइड पर हॉस्टल, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हॉस्टल। तो दोस्तों हॉस्टल पर भी इंशाल्लाह काम स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ से शेडिंग आप खुद देख सकते हैं। और ये है हॉस्टल बैक साइड एरिया पे प्लेयर्स के लिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, शुक्रिया।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मीडिया बॉक्स। और ये है मीडिया बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेम बना चुका है शीट्स के लिए। और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स के ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ा रूफ होगा, तो मीडिया बॉक्स के ऊपर फ्रेम बना चुका है शीट्स के लिए। बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आपके सामने है। और पवेलियन के सामने से आप लोग ग्राउंड का खूबसूरत सा व्यूज देख सकते हैं आपके सामने है। तो दोस्तों आज हफ्ते का दिन है और बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोगों के लिए मैंने लाया है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो उससे पहले काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबको मेरी तरफ से, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और अब मैं सेकंड स्टैंड पर मौजूद हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पिच भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। और पिछली वीडियो में लोगों को बताया था कि पिच पर सिर्फ फ्लोरिंग का काम बाकी है। और ग्रास भी यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन हो चुका है और पहले से काफ़ी बेहतर भी हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स और आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।